प्रिपरेशन स्टार्ट्स नाउ। तेल में क्या मिर्च? ओह वाओ, पापा ले रहे नॉन खटाई। मम्मी ने बोला जेवरात लेके आना मेरे लिए। बिमल पान मसाला, ये बिमल सो रहे हैं यहाँ पर। ये लव दिस धनिया वाला सूखा आलू का सब्जी। खाना ही लाइफ है और ये खानदानी है। खतरों के खिलाड़ी दादी ने टास्क दिया है कि स्टार्ट नाउ, भागो जल्दी। सब आ गए बट आपका बेटा नहीं आया अभी तक। हमारे लिए नाश्ता आया है, वाओ, कचौड़ी जलेबी सब्जी। और यहाँ पर हमारी चाची। चाची ट्रेन का खाना बना रही हो अभी से? आप भगाना चाहती हो हम लोगों को? दोपहर का खाना एज यूजुअल। आपको ये गैस याद होगा, ये चाची याद होगी, इनके हाथ याद होंगे। और उधर वो आपका घी की चिमटा, मेरे को याद है मम्मी ने बचपन में, ये देखो फूड फैम, ये चिमटा से मेरे को जलाया था बहुत गंदा वाला बचपन में, अभी तक याद है, इसीलिए मैं सुधरी हूँ है ना। और पता है जलाया भी क्यों था? क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं जा रही थी और मैं गाजर खाए जा रही थी, और मम्मी बोली ठीक है ये गाजर खा लेना फिर चली जाना, ये गाजर खा लेना चली जाना। मैं गाजर में गाजर खाए जा रही खाए जा रही, मम्मी बोली ट्यूशन नहीं जाएगी। चिमटा से रोटी बना रही थी, गुस्सा था, चिमटा पूरा ऐसे खराब करके लगा दी। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि पढ़ाई करो नहीं तो मम्मी चिमटा से हाथ जला देगी। अभी हम लोग एक चाची अभी मिर्ची काट रही थी, मैंने बोली चाची इतनी मिर्ची क्यों काट रहे हो, किसको मारना चाहती? चाची बोली मेरे को, क्योंकि मैं इतना खाना खाती, बोलती तू एक ही बार में मिर्ची खा के मर जा। तो अभी चाची बोली एक नया रेसिपी शेयर करेगी, वो है प्याज मिर्ची छौंकने वाला, के साथ जो आप रोटी सब्जी चावल दाल सबके साथ खा सकते हो, और अगर दाल सब्जी नहीं तो सूखी सूखी रोटी के साथ खा लो। एंड प्रेपरेशन स्टार्ट्स नाउ। तेल में क्या मिर्ची? ढेर सारा मिर्ची, बट यहाँ की मिर्ची में तो स्पाइस नहीं रहता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तीखा है ये? तीखा है फिर तो। रुखी सुखी नहीं, रुखी सुखी रोटी तेरे हाथों से खा के आया बड़ा मजा। ठंडा ठंडा पानी निकाल रही हो क्या फ्रिज से? ओ नींबू, और नींबू तो मिर्ची को काट ही देगा। ये क्या नींबू? ओ वाओ सुपर डिलीशियस। इसमें क्या? नमक। ये क्या? पिसा जीरा। यही तो मैजिक है। तो नींबू, नमक, पिसा जीरा, ढेर सारी मिर्ची बन गई। बन गई इतनी जल्दी? बट ये तो बहुत इजी है, ये खराब नहीं होता है, तो इसको रख के भी फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं आराम से। सुपर डिलीशियस। A few moments later, तैयारी हो रही है घर वापस जाने की। पापा मामा डार्लिंग के पास वापस जाएंगे, तो अपना सूटकेस तो खाली रखा है और मेरे सूटकेस में पूरा सामान भर दिया, और अभी मेरे को बोल रहे हैं कि इसको पैक करो। आप लोग आ चुके हैं गोपालदास में वापस से मिठाई लेने के लिए, घर के लिए। पापा अपनी मोना डार्लिंग के लिए मिठाई लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे पापा ले रहे नॉन खटाई, मुगु पिएगा। आगे गोपालदास मिठाई ले रहे, बट दिस बार मैं खाने नहीं आई मिठाई, घर के लिए मिठाई पैक करने आई हूँ। प्यास लगी थी तो मैंने ले लिया लिप्टन का पीच आइस। बट ये कहाँ से पता नहीं, आई थिंक अरब से, अरबिक में लिखा हुआ है। और ठंडा होता तो मजा आता, थोड़ा गर्म है, ज्यादा ठंडा नहीं, बिल्कुल ठंडा है। भैया इससे ये पीच आइस टी नहीं है, बोल अल हबीबी, दिस इज अरेबिक चाय। हबीबी हमको बैली डांस करके दिखाओ। पापा शेफ ने अपनी मोना डार्लिंग के लिए मिठाइयाँ ले लिए, गहने तो खरीदते नहीं है, मिठाइयाँ खिला के शुगर कराना चाहते अपनी बीवी का। मम्मी ने बोला जेवरात लेके आना मेरे लिए, सेट डायमंड सेट दे दे, छल्ला छल्ला डायमंड का दे दो छल्ला। यहाँ पर हम आ चुके हैं श्रीराम सुपरमार्ट, यहाँ पर बिट्टू और पापा गए हैं टू लेने फैन बिस्किट। बताती हूँ फैन बिस्किट क्या होता है, ये वाले हाँ देख के तो अच्छे लग रहे हैं, ये वाले ठीक है ना, चार पांच ले लो, पांच ले। A few moments later, इधर पापा माथा रख के हाथ में बैठे हैं, गर्मी से बेहाल है। हम लोग मिठाई विठाई लेके आ गए हैं, थैला रेडी हो चुका हमारा, ये देखो दो दो थैला जा रहा है घर में। बिमल पान मसाला, ये बिमल सो रहे हैं यहाँ पर जी। यहाँ पर चाची ने हमारे लिए खाना बना दिया, पैक कर दिया अगेन, दैट आलू की सब्जी, आई लव दिस धनिया वाला सूखा आलू का सब्जी, पूरी, आई लव पूरी। यहाँ पर ना हमारे पास वो मिर्ची है जो अभी हमने मिर्ची बनाई ना, ओह नो दिस इज बिंदी, आई लव बिंदी, ये वाली मिर्ची है शायद, आई थिंक, आई डोंट नो, गर्म होनी चाहिए। ओह दिस इज द मिर्ची, अभी चाची ने जो मिर्ची बनाई थी छौंकी हुई मिर्ची है वो है, ये मैं ट्रेन में खाऊंगी। यहाँ पर सब सामान रखा हुआ है, पूरी एंड ऑल, काफी गर्म है, ऐसे मन तो है नहीं जाने का बट जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही क्या है, बट वापस आऊंगी मैं डेफिनेटली। इन द मीनवाइल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो लेट्स सी अभी मैं और क्या खा सकती हूँ, जाते जाते खाऊंगी, आ भी रही थी खाते खाते, जा भी रही हूँ खाते खाते, खाना ही लाइफ है।
और ये खानदानी है। वापस आएंगे और खूब खाना खाएंगे नेक्स्ट टाइम, फिर और ज्यादा खाएंगे, सावन में नहीं आएंगे। चलो हो गया, चले बाय बाय। ओके अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में और हम लोग जा रहे हैं वापस घर, घर वापस जा रहे हैं। एवरीवन इज ऑल सेट। किसी को जाने का मन है क्या? नहीं माने, बिकॉज वी हैव थॉरली एंजॉयड दिस ट्रिप। अभी पापा जा रहे हैं और बिट्टू जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी खेलने। खतरों के खिलाड़ी दादी ने टास्क दिया है कि मथुरा स्टेशन पर उतर के क्या लाना है आपके लिए? समोसा और चाय। और कितने देर रुकेगी वहाँ पर? 5 मिनट। तो 5 मिनट में टास्क है कि आपको 5 मिनट में समोसा और चाय लेके आना है। 5 मिनट है बहुत। हाँ तो योर टाइम स्टार्ट अभी नहीं, थोड़ी देर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भागो जल्दी, ट्रेन चल रही है। क्या लगता है आपके बेटे चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं मुझे भी लगता है नहीं। ट्रेन चल रही है, नो आइडिया कहाँ है वो लोग, नो आइडिया। सब आ गए बट आपका बेटा नहीं आया अभी तक। कॉन्फिडेंस हाँ वो नहीं पता। 2000 years later क्या हुआ? क्या हुआ? चैलेंज हार गए? हार गए। 50% जीत गए कि तुम लोग वापस आ गए बट खाली आता है। सो अभी हम लोग जिस ट्रेन में है, इस ट्रेन में ना पैंट्री कार है तो कोई खाना ही नहीं आ रहा। मेरे को कोई फ्लाइंग फूड ही नहीं आ रहा जो मैं खरीद के खाऊं। कॉफी पाउडर है चाय के ऊपर डाल देते। कलर तो डिफरेंट है लेकिन मीठा है। मैं बोल रही चैलेंज यू गाइस, खुशबू अच्छी है, टेस्ट करिए ना। हां चाय पानी पानी लेकिन अदरक का टेस्ट अच्छा आ रहा है। मीठा है, मीठा अच्छा लग रहा है लेकिन। अच्छा मतलब नींद खुल जाएगा, पी सकते हो। मम्मी अच्छी खासी है कि कम है? समोसा प्लीज। रुक जाइए, एक समोसा दी लो। आप और बुआ खाओ समोसा। ये मेरे को खाना था पूरे ट्रिप में ना। आई वॉन्टेड टू ईट समोसा। आई डोंट नो हाउ इट इज टेस्टिंग बट देख के तो अच्छा लगा। अच्छा काला वाला आलू है। ओके देख के तो अच्छा लग रहा है। मैं भी मिर्ची के साथ खाती हूँ। नमक डाला हुआ है, मसाला कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल है। पेट खराब नहीं होगा खाने तो, प्रोवाइडेड तेल अच्छा हुआ तो। बट खाने में बहुत सटल है। ये बहुत सूखा है, वही तो पेट खराब नहीं होगा रास्ते में। अब मिर्ची के साथ, कटी मिर्ची के साथ तो जायका और अच्छा लग रहा है। बिकॉज उस टाइम पे पापा शेफ और क्या करते रहते, पापा शेफ और बिट्टू भैया चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए थे तो अपनी मम्मी का नाम रोशन करने के लिए 30 सेकंड्स में बेटर पोते ने लेके आया है ये। ये क्या है? कि दाल का पकौड़ी। बट थैंक्स टू बुआ फॉर दिस। दादी बुआ को मिलना चाहिए अवार्ड। बुआ बोली थी दादी, बुआ बोली थी, बेटा कुछ नहीं किया। हम लोग ने अभी वैसे समोसा खाया था बट बुआ से कासगंज का अगर पकौड़ी नहीं खाया तो क्या खाया? ये हो गया टाइप से, हो सकता है स्टेशन उतर के लेते तो अच्छा होता। वही तो लेके आए, बोलो स्टेशन ही तो है। खाते तो कोई सोडा सोडा टेस्ट आ रहा ना। बेसन डाल नहीं डाला, डाल नहीं डाला। नमक कम है इसलिए लग रहा है। बट ठीक है, नमक कम है। हाँ नमक कम है, डाल नहीं पापा। अरे यहाँ क्या करते, दाल एकदम बहुत पतली पीस। कासगंज वाले आप बताओ, दाल है बेसन है क्या है? मेरे को कमेंट करके बताओ। ये लोग भाई बहन की लड़ाई कर रहे हैं। देख अगर बेसन होता ना तो ऐसे करके ये ऐसे नहीं बनता। पापा शेफ बोल रहे हैं दाल है, बुआ शेफ बोल रही है बेसन है, मैं बोल रही हूँ पकौड़ी है। आप कमेंट करके बताओ क्या है इसका राज, क्या है इसका राज, क्या है राज? नहीं है राज, राज बट ठीक है, टाइम पास फूड अच्छा। ये आ गया डिनर टाइम। डिनर टाइम में अभी हम खाएंगे वही सूखी आलू की सब्जी और भिंडी और मिर्ची और मिठाई और दादी और बुआ नहीं उनको नहीं खाएंगे, हम खाना खाएंगे वेजिटेरियन खाना। सावन पीपल ऑल अराउंड, यहाँ पे सब सावन वाले लोग हैं। एंड दिस इज प्राइसलेस बिकॉज घर का खाना इज ऑलवेज प्राइसलेस। सो आई कैन नॉट वैल्यू दिस बट या दिस इज डेफिनेटली गुड बिकॉज भिंडी इज लव एंड मिर्ची इज लव फॉरएवर। आई लव दिस आलू का सब्जी बिना प्याज की भिंडी। मम्मी हमेशा भिंडी प्याज डाल के बनाती है। खाना खाना वेज खाना, वेज थाली खाना। भाजी खा रहे 3 दिन से। एक मिनट
आज चैलेंज ज्यादा है क्योंकि लास्ट टाइम मैं इधर सोई थी, इस बार मैं इसमें सोऊंगी मिडिल सीट पे। तो लेट्स सी मैं मिडिल सीट पे एक दिन आएगा यहाँ सोएगी, दूसरा दिन यहाँ। नीचे सोना इजी है, मिडिल सीट पे सोना सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है। कमेंट करके बताओ, एंड दिस इज फैक्ट, मिडिल सीट पे अभी मैं कैसे चढ़ूंगी? आई डोंट नो। चद्दर बिछना मैं देख रही हूँ क्योंकि तुझे बिछाना नहीं आता, तुझे बिछाना नहीं आता, तुझे तुझे तुझे। पापा मैं कौन हूँ? मेरा नाम आज से क्या है? बंटा नहीं, लाडो बोले थे आप। बंटा कौन है? मैं बंटा हूँ। पापा मेरे को बंटा नहीं बोलोगे? बोलोगे क्या? मेरा नाम क्या रखे हैं? बंटा। हाँ मेरे को उस दिन मैं बोले थे लाडो, बोले बंटा। मैंने लास्ट टाइम ऊपर चढ़ा, ऐसे नहीं उल्टा चढ़ रही और मुंडी उधर। अरे बुआ ये तो आप मेरा वो करा रहे हो, जिमनास्टिक करा दिया। ये मेरा नया सीखा चढ़ना, क्योंकि ट्रेन में ही तो कम जाते हैं। तो क्या हुआ, अब हम लोग जाएंगे ट्रेन में, बट ये वाला सीट थोड़ा सा वो है, छोटा। अरे ये नहीं, यही सबसे बड़ा होता है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, सी इन द मॉर्निंग। हां और का 352। ओहो नूडल्स, नूडल्स, आई लव नूडल्स। गुड मॉर्निंग अगेन, सो द नेक्स्ट डे नाउ फाइनली वी आर गोना रीच होम। बट सुबह से हम लोगों को इस ट्रेन में, विच इज दिस इज बेसिकली वीकली ट्रेन, जो हम लोग कल से लेके 10 बार बोल चुके हैं ये वीकली ट्रेन है, इसमें पैंट्री नहीं है, इसलिए खाना नहीं है। सो मैंने क्या किया, अपना लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही ऑर्डर कर लिया, थैंक्स टू बिटू वी हैव ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम धनबाद। तो ये बंदा वो हम लोगों को धनबाद स्टेशन पे देखे गया था। सो हियर आई एम ईटिंग नॉनवेज, तो थोड़ा साइडों पे खा रहे हैं, वहाँ पे पीपल आर ईटिंग वेजिटेरियन। थैंक्स टू माई फैमिली दैट दे आर कोऑर्डिनेटिंग मी सो वेल एंड नॉट यू नो डूइंग खिच 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 की नॉनवेज मत का, नॉनवेज मत का, टच वुड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव ऑर्डर्ड चिकन नूडल्स, बिकॉज आई स्टार्टेड द जर्नी बाय ईटिंग मैगी, सो आई थॉट ऑफ एंडिंग द जर्नी बाय ईटिंग नूडल्स एंड आई हैव ऑर्डर्ड ये थाली। इसके अंदर क्या है मैं बता रही हूँ, इट्स बिरयानी थाली, बेसिकली चिकन करी, वेज दाल, वेज सब्जी, सैलड, मिठाई भी है। तो एक बार मैं इसको स्टैंड अलोन खा के देखती हूँ, ये देख के अच्छा लग रहा है। इसमें कैप्सिकम है, प्याज है, गाजर है, वाओ लुक एट द चंक्स ऑफ चिकन, इट्स गुड यार, गुड क्वालिटी फूड। खाना बहुत अच्छा है इसका। आई डोंट थिंक सो, मेरे को इसमें चिली सॉस या केचप डालने का जरूरत है, बिकॉज दिस इन इटसेल्फ इज स्पाइसी एंड फ्लेवरफुल। अच्छा लग रहा है, वेरी वेल कुक्ड। नूडल्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको मैं रख देती शाम को खाती तो मज़ा आता ना, बट आई वाज हंग्री सिंस मॉर्निंग, सो आई हैड टू ईट दिस। ना इसको खोलना इज अ टास्क, रुक जा फ्यू मोमेंट्स लेटर। खोलने में हालत खराब हो गया, खाएगा क्या इंसान। तो यहाँ पे वी हैव गॉट टू रोटीज, वी हैव गॉट सैलेड, अचार, ऐसे जैसे लंच में मम्मी नहीं देती थी। नमक है वो, नमक है, सॉरी, और नमक भी दिया, वाह सही है। मिर्ची, प्याज, लड्डू, बिरयानी, दाल विच इज लाइक पानी, लाइक एकदम पानी की तरह दाल है। यहाँ वी हैव गॉट मिक्स सब्जी विच इज बीन्स, मटर, गाजर एंड दिस इज चिकन करी। यहाँ पर 2 पीस चिकन करी दिया हुआ, ये तो डिफरेंट है, लेट मी ट्राई। बिरयानी जो है ना, वेज बिरयानी, हाँ पनीर, वेज बिरयानी, लाइक गुड, लाइक इट्स अ गुड डील। कितने रुपए का था? आई थिंक 300 रुपीज, फॉर 300 to 330 रुपीज, इट्स अ गुड डील। चिकन में तो हड्डी भर दी है। चिकन कर्री इज वेरी गुड। लेट्स ट्राई द पुलाव। दाल आई एम नॉट ईटिंग, आई डोंट नो दाल कैसा होगा। इसको मैं बिरयानी, वेज बिरयानी तो नहीं बोलूँगी, काइंड ऑफ वेज बिरयानी है, बट बेटर वर्जन इज वेज पुलाव। वेज बिरयानी, पूरा बिरयानी का सेंट वाला खुशबू नहीं आता है, वैसा सेंट। Finally back to home, sweet home. Hello. 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 Acha. Hello. Aww.
इनका ही रिएक्शन तो देख लेना, लेट्स सी कि सिंजू का रिएक्शन क्या होता है। डालो को बिकू चाहिए, बिकू डालो को बिस्कुट के मूल्य से नहीं होगा, डालो चुम्मी दे, डालो चुम दे दे दे, खाने दे बिस्कुट खाने दे।